अजमत वज़ीरिस्तान का वो इलाका है जो वज़ीरिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा मकबूल है। उन्होंने किसी न किसी से सुना होता है, मतलब अगर उनको वज़ीरिस्तान के दूसरे इलाके जिस तरह हो गए मकीन, लद्दाख, निगुरम, बदरशाह वाले इलाकों के बारे में उनको नॉलेज हो ना हो, उनके बारे में पता हो ना हो, लेकिन ज़रूर उनको पता होता है कि वज़ीरिस्तान में एक इलाका रजमक है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उन्होंने किसी न किसी से सुना होता है। और मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि रजमक जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन रजमक जो है वो साउथ वज़ीरिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का हिस्सा है। यूँ आप समझ लें कि साउथ की तरफ से आप जाएंगे नॉर्थ की तरफ, रजमक जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान का स्टार्ट ही है। मैं ख़ुद स्नोफॉल के सीज़न में गया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बेहतरीन किस्म के व्यूज़ थे उसके। ये मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सबसे खूबसूरत जो इलाका है वो रजमक ही है, बड़ा बेहतरीन किस्म का इलाका है। तो रजमक में टूरिस्ट के लिहाज से जो सबसे बड़ी जगह है, यानी कि जहाँ पे हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, तो ये जगह है। एक पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, इस बिल्डिंग से पहचान की जा सकती है कि सारे लोग यहाँ पर आते हैं। और वीकेंड्स में स्पेशली यहाँ पे इतनी आवाम होती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वज़ीरिस्तान में वाकई में इतनी टूरिज़म होती है। वीकेंड्स पे ये जो सारी जगह होती है पार्किंग एरिया सारी गाड़ियों से भर जाती हैं, और स्पेशली जो सारे टूरिस्ट होते हैं वो बन्नू से और लक्की मरवत साइड से आते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत करीब पड़ता है, दो ढाई घंटे के सफ़र पे वो पहुंच जाते हैं रजमक तक इस पॉइंट पर। फिर वो अपने साथ सारा ज़रूरत का सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है, बैठने के लिए चटाइयाँ वगैरह अपने साथ ले आते हैं, तो फिर यहाँ पर अपना कुकिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही मसला है, ये जगह बहुत बेहतरीन है व्यू के लिहाज से क्योंकि परफेक्ट व्यू आता है पीछे से, लेकिन एक मसला यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि सारे टूरिस्ट जो होते अपने साथ खाने पीने का सामान नहीं लेकर आते, तो यहाँ पे एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर या एक ढाबा होता तो ये परफेक्ट जगह बन जाती टूरिस्ट के लिए। तो रजमक में दूसरी जो सबसे बेहतरीन और सबसे क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग जगह है, जो अट्रैक्टिंग जो बंदे को अट्रैक्ट करती है, जिसकी ग्रीनरी है, जिसके मेडोज़ बंदे को अट्रैक्ट करती है, वो ये जगह है। लोकल ज़बान में इसको जाज ग्राउंड कहते हैं, यानी कि एयरपोर्ट। ये पुराने ज़माने में एयरपोर्ट की तरह यूज़ होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसका स्टार्ट वहाँ से हो रहा है और ये वहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो ये एक पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पर जहाज लैंड हुआ करते थे, यहाँ से उठते थे। यहाँ पर जो है ना जितने मेडोज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ग्राउंड्स हैं, कोई क्रिकेट ग्राउंड है, कोई फुटबॉल ग्राउंड है, कोई वॉलीबॉल ग्राउंड है। उसके मज़े की बात क्या है, यहाँ पे नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हुआ करते थे और नेशनल प्लेयर यहाँ पे आके खेलते थे, कोई जीत जाता कोई हार जाता। लेकिन उसके मज़े की बात क्या है, यहाँ पे टूर्नामेंट कराने की मज़े की बात क्या है, एक तो यहाँ से व्यू बड़ा परफेक्ट है, चारों तरफ पहाड़ों के बड़े ग्रीन व्यू आते हैं आपको, और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे मौसम बड़ा ठीक ठाक रहता है, गर्मियों में तो यहाँ पे बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं की जाती, हाँ सर्दियों के मौसम में यहाँ पे ठीक ठाक बर्फ़बारी होती है। मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आई है, बहुत पसंद आई है मुझे। रजमक के बारे में मैं कुछ बताना भूल गया, पूरे वज़ीरिस्तान में यूफोन नेटवर्क अवेलेबल है, लेकिन पहाड़ों की वजह से कहीं पर उसके सिग्नल आते हैं तो कहीं पर उसके सिग्नल नहीं आते, और 3G 4G सर्विस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन रजमक में हर जगह यूफोन का नेटवर्क आता है, और इसके अलावा रजमक बाज़ार में इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि वो टूरिस्ट जो किसी ज़रूरी काम से इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हों या कोई ज़रूरी मैसेज घर वालों को पैगाम देना चाहते हों, तो रजमक में पब्लिक के लिए 50 रुपये फी घंटा के हिसाब से वाईफाई अवेलेबल है, जो कि मेरे मुताबिक एक इंतहाई अच्छी बात है।
अभी जिस इलाके में मौजूद हूँ इस जगह का नाम है सूला, यह रजमक का एक छोटा सा इलाका है, बेहतरीन किस्म का इलाका है। मैंने जैसे ही रोड से देखा ना, मेरे तसुरात ही बदल गए, क्योंकि ऐसा इलाका मैंने पूरे वज़ीरिस्तान में कहीं नहीं देखा। सिर्फ एक जगह है जो बदर में है, तलवेश्ताई नाम है शायद उसका, सिर्फ वहाँ पे देखा मैंने। उसके बाद मैंने ये जगह देखी, जैसे मैंने देखी मैं यहाँ बाइक से उतर गया, आसपास घर थे इसलिए मैंने एक दो बुज़ुर्ग यहाँ पे खड़े थे उनसे पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ पे मैंने वीडियो बनानी है, कोई मसला ना। उन्होंने कहा बेशक बना ले। बड़ी बेहतरीन किस्म के मेडोज़ हैं, आप चेक कर लें पीछे, या शायद मेरी आंखें जो देख रही हैं वो कैमरा ना बता पा रहा हो, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ और इसको एंजॉय कर रहा हूँ। आगे मैं बाद में जाऊँगा, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूँगा। तो ये है रजमक का आखिरी और सबसे बेहतरीन इलाका डंगीन। वैसे मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने सोचा कि शायद कोई ऐसी नीचे जगह हो जहाँ पे पानी शानी होगा या कुछ होगा, क्योंकि लोकल ने मुझे बताया था। लेकिन आप यकीन करें, वो मोड़ जिस तरह मैंने क्रॉस किया है और मेरी नज़र जो पड़ी है ना इस पहाड़ी पर, मैं देखता ही देखता रह गया यार। मतलब इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, इतनी खूबसूरत पहाड़। अच्छा, इससे ज़्यादा खूबसूरत जो पहाड़ हैं ना ये पीछे वाले पहाड़ हैं, लेकिन इस पर लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहे। इतने बेहतरीन किस्म की खूबसूरती यार मैं पहली बार देख रहा हूँ वज़ीरिस्तान के किसी इलाके में। रजमा के जो पिछले टूर पे मैं आया था वो सिर्फ मैंने तकरीबन वो जहाँ से रजमक शुरू होता है वहाँ तक मैं आया था, इससे आगे मैं आया ही नहीं था। जैसे जैसे मैं आया था कि यार रजमक तो मेरे दिल को जीतता गया। तो अभी कुछ टाइम के लिए मैं यहीं पे बैठता हूँ, ये सीन इन्जॉय करता हूँ, तो आप लोगों को मिलता हूँ वज़ीरिस्तान के किसी और खूबसूरत इलाके के बेहतरीन एपिसोड के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर और अपडेट्स चाहिए, पिक्चर्स देखने, आप मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।